नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। आप सभी का, जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में, और मैथ्स जो है स्टार्टिंग से, शुरुआत से बिल्कुल पढ़ाई जाएगी आप सभी को, ठीक है। तो ये मैथ का जो चैप्टर जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज स्क्वायर फाइंड करना बताएंगे आप सभी को, कैसे वर्ग किसी संख्या का स्क्वायर कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये मंडी परिषद यूपी मंडी परिषद के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, मंडी परिषद, ठीक है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ठीक होगा, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए भी होगा। तो आप सभी जो बच्चे मैथ के वीडियो के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका जो है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि कैसे किसी संख्या का स्क्वायर पता करते हैं। देखिए, स्क्वायर तो हम वैसे भी पता कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली गुणा भाग करते हैं वैसे भी पता कर सकते हैं, लेकिन हम मेथड बताएंगे आप सभी को। तो ये टाइप फर्स्ट आप सभी डाल लीजिए, ठीक है, या मेथड फर्स्ट डाल लीजिए, ठीक है। टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे पता करना है वो हम आप सभी को बताएंगे। मेथड फर्स्ट है हमारा, जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, तो जैसे ए और बी दो अंकों की संख्या है, इसका होल स्क्वायर हमको पता करना है, यानी वर्ग पता करना है। तो फार्मूला उसमें हम लगाएंगे ए स्क्वायर और टू ए बी और बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला हम उसमें यूज करेंगे। ये आप सभी नोट कर लीजिएगा, ए और बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू और ये टू ए बी और बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करना है, और यूज कैसे करना है वो हम सभी को बताएंगे आप सभी को। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मिटा देते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमको पता करना है 37, कोई हमारी संख्या है दो अंकों की, ठीक है, मान लो 37 संख्या है, आपसे पूछा गया इसका स्क्वायर बताना, ठीक है। वैसे स्क्वायर वगैरह पूछा नहीं जाता, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेशन के लिए पढ़ता है, कहीं पे स्क्वायर आ गया तो वहां पे कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं। देखिए, आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं कैलकुलेशन करें, लेकिन इसको फार्मूले से ज्ञात करें कैसे। फार्मूला हमने बताया था ए स्क्वायर और टू ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहली जो संख्या होगी इसको ए मान लेंगे, दूसरी जो संख्या है उसकी बी मान लेंगे, ठीक है, इन दोनों का यूज इसमें करेंगे। तो ए बराबर हमने 3 माना, बी बराबर 7 माना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 2 टू ए बी, ठीक है, तो ए बी कितना है 3 और 7, 7 21 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 42, ठीक है। या एक स्टेप और बढ़ा करके दिखा देते हैं, 2 इंटू ए का मान है तुम्हारा 3 इंटू बी, बी का मान है 7, ठीक है, ये बीच में इंटू का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, और बी स्क्वायर यानी 749, ठीक है। ये एक स्टेप और बढ़ा लेते नीचे, ये कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जब तीनों का, ये तुम्हारा 49 आ जाएगा, ठीक है। अभी तीन चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है, अब इसको लिखना कैसे, देखिए ये जो इसका जो पहला डिजिट है वो हम ऐसे 9 नीचे उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये जो चार बच्चे हमारे वो हम इसके साथ ले जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे ऐड करने से कितना हो जाएगा 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, और ये 4 ऐसे उतर आएगा 4, ठीक है। अब ये 6 हम यहाँ नीचे उतार लेंगे इसके साथ में, यहाँ पे 6, फिर हम ये 4 ले जाएंगे इसके साथ में, तो यहाँ 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 नीचे यहाँ उतार लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर इसका आ गया 13 16 है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आया, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लो उस मेथड से जैसे हम लोग करते हैं, जैसे 37 का होल स्क्वायर पता करना है, तो आप सभी पता करते हैं 37 × 37 करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 749 हासिल लगा 4, 721 और 4 कितने हो जाएंगे 25। अब यहाँ कर लो 3 7 21, 1 हासिल लगा 2, 3 3 9 2 कितने हो जाएंगे 11, अब ये कितने आ जाएंगे 9 ऐसे उतर आएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा 1369, ठीक है। तो इस मेथड से भी हमारा कितना आया 1369 आया, और इस मेथड से हमारा 1369 है, ठीक है। तो ये मेथड है एक आपको स्क्वायर निकालने का, एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसी से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आप बस फार्मूला याद रखिए और कैसे इम्प्लीमेंट करना है इतना याद रखना है आप सभी को फार्मूले में, ठीक है। दो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये तरीका जो है आसान लगेगा, जैसे कि आप इस तरीके से करते हैं उस तरीके से ये तरीका आसान लगेगा आपको, तुरंत ही इसका आंसर निकल आएगा 2 सेकंड में। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमसे कह दिया जाए 76, ठीक है, 76 का आपको पता करना है होल स्क्वायर, ठीक है। कहीं पे आ गया मल्टीप्लिकेशन या गुणा में आपको 76 का होल स्क्वायर पता करना है, तो सबसे पहले आप सीधा सीधा करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 ने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2a भी होता है तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करो, 7 × 42 और दूना कितना हो जाएगा 84, ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए 6 तो हमने ऐसे उतार लिया नीचे, 3 इसके साथ ले गए तो 3 इसके साथ आ जाए, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 7 और 8 आ जाएगा 87। 7 हमने यहाँ नीचे उतारना है हमको, 6a वाले और 7a वाले, ठीक है। 8 हम इसके साथ ले जाएंगे, 8 हमने यहाँ लिख लिए, इसको जोड़ लो, 9 × 8 = 17 हो गए, हाँ से लगाइए किधर हो जाएगी 5 × 57, तो 57 और नीचे डायरेक्ट उतार लो यहाँ पे 57 = 76, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 57 = 76, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 76 का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना आसान तरीका, ठीक है। और वैसे भी चेक कर लो एक बार कि उतना ही आ रहा कि नहीं, आप सभी की तसल्ली के लिए 76 × 76 अब मल्टीप्लाई कराइए दोनों का, 6 × 36 हाँ से लगा 3, 6 × 7 = 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। यहाँ क्रॉस कर देंगे, 6 × 7 = 42 हाँ से लगा 2 हो जाए, हाँ से लगा 4 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 4 कितने हो जाएंगे, 53। अब यहाँ लिख लीजिए 6 × 5 = 5 × 2 = 7 हो गया, 4 × 3 = 7 हो गया, ये कितना हो गया 5, 57 = 76 यहाँ से भी आ रहा, 57 = 76 यहाँ से भी आ रहा, ठीक है। तो ये तरीका आसान है, अगर हम करेंगे तुरंत ही हो जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके से और आपको बताते हैं, ठीक है। इससे जो है इस तरीके से हम 3 संख्याओं वालों को भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने में सेकंड तरीके से आपको कठिन लगे। देखिए 2-3 तरीके बताएंगे हम इसमें आपको, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, जैसे आपसे ले लिया जाए कि आप बताइए 89 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। सबसे पहले 8 × 8 = 64 लिखेंगे, यहाँ पे 8 × 9 = 72, 72 × 2 कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। 8 × 72 = 72 का 2 करेंगे 144 हो जाएगा, 70 × 2 = 140 और 2 × 2 = 4, ठीक है, इधर करेंगे 9 × 81, ठीक है, तो 81 होगा। एक हम ऐसे नीचे उतार लेंगे, हमने एक यहाँ उतार लिया, 8 जो बचा है हम 8 इसके साथ ले जाएंगे, 8 हमने यहाँ रख लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12 हाँ से लगाइए कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, 2 हमने इसके साथ रख लिया यहाँ पे, यहाँ उतार लिया, 15 बैठा के यहाँ ले गए, ठीक है, 15 यहाँ ले लिया, यहाँ रख लो 5 × 4 = 9 और 6 × 1 = 7, 79, ठीक है, यहाँ रख लो, तो इसका राइट आंसर आएगा 7921, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर आ गया 89 का होल स्क्वायर का, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं, आपसे भी चेक कर लीजिएगा। तो इसको मिटा देते दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जो है तरीका समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जब इसको यूज करेंगे 2-4 बार अपने प्रयोग में लाएंगे, डेली यूज मतलब इसको करेंगे, तो आपको जो है ये तरीका आसान लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए जैसे 3 डिजिट का आपको मिल जाता है यहीं पे, तो 3 डिजिट वाले का कैसा स्क्वायर करेंगे तो हम वो बताते हैं आप सबको, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 137 आपको मिल गया, 137, ठीक है, इसका आपको होल स्क्वायर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले 2 डिजिट होंगे, ठीक है, इनको ए मान लेंगे और इसको लास्ट वाले को बी मान लेंगे। तो 13 को हमने ए मान लिया और 7 को हमने क्या मान लिया, बी। अब ए का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो आप सभी को याद होना चाहिए 169 होता है। अब 2a भी होता है, 13 × 7 = 91 और 91 × 2 कितना हो जाएगा, 182, ठीक है, 182। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 7 × 7 = 49, ठीक, इतना ही होगा। हमने 9 यहाँ पे उतार लिया डायरेक्टली, 4 हम इसके साथ ले गए तो यहाँ 4 जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा,
18 और 4 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। हम 6 को उतार के यहाँ लाएंगे, 6 हमने यहाँ लिख लिए, बाकी 18 हम इसके साथ ले जाएंगे, 18 हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी 18, और यहाँ पे जोड़ दो, 9 और 8 कितने हो गए 17, हाँ से लगाइए किधर आएगी, 6 2 8 हो जाएंगे, और ये कितना 187, 187 यहाँ उतार लेते हैं लास्ट में, 187। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18769, ठीक है। तो ये हमारा 137 का होल स्क्वायर हो जाएगा अगर इस तरीके से करेंगे। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा आप सभी को पड़ेगा, क्योंकि तीन स्टेप में चला जाएगा। तो ये तरीका अपनाएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होगा, टाइम आपका बचत होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तीन डिजिट के लिए। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों ये, और भी तरीके आप सभी को बताएंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालने के, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि इसी में एक और ले लेते हैं 235, ठीक है 235 का हमको होल स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो हम 23 को ए मान लेते हैं और 5 को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो 23 का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए कम से कम 30 तक आपको जो है होल स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, तब जो है आप एग्जाम में टाइम की बचत कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम में आपको एक से लेके कम से कम 30 तक तो होल स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो 23 का होल स्क्वायर करेंगे तो 23 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 529 होता है, और फिर 23 पंचे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 230, ठीक है। और 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब देखिए यहां से एक डिजिट हमको यहां नीचे उतार के लिखना है, हम यहां लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं 5, बाकी 2 जब हम इसके साथ ले जाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, सॉरी 232 हो जाएगा, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 में यहां उतार लेंगे, 2 यहां लिख लिया, ये 23 हम इसके साथ ले जाएंगे, यहां 23 हमने लिख लिया, अब इनको ऐड करना है, 9 3 कितना हो जाएगा 12, हाँ से लगाइएगा इधर 5 हो जाएगा 15, एक इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 652 और नीचे उतारना है हमको 652, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया, सॉरी 5 रहेगा यहाँ पे 552, ठीक है 55225, ये हमारा राइट आंसर आ गया 235 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि सेकंड मेथड आप सभी को बताते हैं, जैसे आपको अगर पता चल जाए कि हमको किसी 100 के बीच में हमको स्क्वायर रूट पता करना है, तो वो मेथड भी आप सभी को बता देते हैं यहीं पर, 1 से लेके 50 तक और 50 से लेके 100 तक के बीच में अगर आपको स्क्वायर रूट वर्क पता करना है तो वो कैसे हमको ज्ञात करना है, टू फाइंड एनी नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। तो 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर और 51 से लेके 100 तक के स्क्वायर कैसे हम पता करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अगर 50 का स्क्वायर पता करना है तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, पहले देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से लेके 50 तक, अगर 1 से लेके 50 तक अगर कोई स्क्वायर आपको पता करने आता है, मान लो आ जाता है 46, ठीक है 46 का आपको स्क्वायर पता करना है, ठीक है। तो 46 आपको देखना है 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ये 50 से हमारा ये 4 कम है, 46 में 50 में से 46 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 ही तो आएगा, 4 हमारा कम है। तो इसको क्या करना है, 25 में से 4 घटाना है इधर, ठीक है, और ये 4 का होल स्क्वायर करना है, 4 का होल स्क्वायर, ये मेथड आपको याद रखने होंगे, ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो 25 में से 4 घटाएं कितना आ जाएगा, यहाँ 21 तुम्हारा आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे 416 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2116, तो हमारा ये हमारा राइट आंसर हो गया 46 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हमारा संख्या जो है 50 से कम होगी तब हम 25 से घटाएंगे, ठीक है, अगर 50 से ज्यादा हुई तो हम कितना प्लस करेंगे यहाँ 25 में, ठीक है, ये हम सबको याद रखना। जैसे कि 57, ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल 57 का होल स्क्वायर पूछा गया, तो हमारा 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 50 से 7 ज्यादा है, तो हम 25 में यहाँ क्या करेंगे प्लस 7 करेंगे और 7 का
कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा 7 का होल स्क्वायर करेंगे 49, तो 25 और 7 कितने हो गए 32 हो गए इधर हमारे 49, ये हम यहाँ लिख लो यहाँ पे, तो 32 49, ये हमारा राइट आंसर हो गया 57 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आसान तरीका है दोस्तों। पहले तो आपको चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है 50 से कितना कम ज़्यादा है। ठीक है, अगर 50 से कम आता है तो हमको 25 से घटाना है, अगर 50 से ज़्यादा आता है तो 25 में उतना ही प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद कितना ज़्यादा आता है वो हमको स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो और देखते हैं, और देखते हैं आगे एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए 2500 में से ही क्यों घटाते हैं, कुल बच्चे इसका पूछेंगे 2500 में से ही हम लोग क्यों घटाते हैं जोड़ते हैं, सॉरी, क्योंकि 50 का होल स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है, तो ये 25 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो आएगी इसका स्क्वायर जो आएगा 25 के ही इधर इर्द गिर्द आएगा, ठीक है, बिटवीन आएगा। इसीलिए हम कोई जो चीज़ जो है अगर ज़्यादा होता है तो 25 में जोड़ देते हैं, अगर कम होता है तो 25 में घटा देते हैं। ठीक है, तो दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं इसी टाइप के, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना हमको। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आती तो आप वीडियो को रोककर भी दोबारा देख सकते हैं, वैसे हम एग्जाम्पल तो बता ही रहे हैं, दो दो चार चार एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आप सभी को क्लियर होता चले। ठीक है, अब जैसे कि 43 एक ले लेते हैं, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल होगा, 43 ले लेते हैं, 43 का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो ये 50 से कितना कम है आप ऐसे ही निकाल लीजिए, 50 से 7 कम है तो 25 में से 7 घटा देंगे और यहाँ कितना 7 का होल स्क्वायर कर देंगे 49 आ जाएगा। ठीक है, 25 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ 18, और 49 वाले के लेंगे तो 18 49 हमारा राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्टली बस कुछ नहीं करना है आपको, और देखिए वैसे अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लो आपसे कह दिया 48 का होल स्क्वायर पता करना हमको, तो 48 50 से कितना कम है 2 कम है, 25 में से 2 घटा दिया हमने कितना बचा 23, 2 का होल स्क्वायर कितना 4, तो जब 4 लिखेंगे अगर जब एक डिजिट आएगा, ठीक है ये हमको याद रखना है, लास्ट वाले हमको 2 डिजिट आने हैं। ठीक है, हमारा देखिए जब 2 कम था तो हमारा 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 ही, जब एक डिजिट आएगा तो उसके पहले 0 लगा देंगे तो 0 4 कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप 4 यहाँ लिख देंगे तो 234 आ जाएगा, 234 48 का होल स्क्वायर हो नहीं सकता, इसलिए हम जो है लास्ट में आपको 2 ही डिजिट चाहिए इसके बाद में। ठीक है, डंडे के बाद में आपको यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो 4 आया तो 4 सिंगल डिजिट, इसलिए हमने 0 लगा दिया उसके पहले। ठीक है, अब जैसे कि एक और देख लीजिए, जैसे कि 47, ठीक है 47 का जो होल स्क्वायर करेंगे, तीसरा नंबर नहीं डाल रहे बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, ये पांचवा एग्जाम्पल होगा जो भी होगा, 47 का होल स्क्वायर करना है आपको, कितना 50 से कम है 3 कम है, 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 22 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो 9 ऐसे नहीं लिखना है, इसके लिए पहले 0 लगा लेना क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो 22 09, ठीक है ये हमारा राइट आंसर होगा 47 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना सभी आपको सभी को याद रखना है। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ये काफी है एग्जांपल, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ज्यादा वाले ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 58 का बताना है आपको, 58 का होल स्क्वायर बताना। ठीक है, 58 का होल स्क्वायर जब बताना है तो हम देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 8 ज्यादा है तो 25 में प्लस 8 कर लेंगे और इधर 8 का होल स्क्वायर करेंगे, 8 × 2 कितना हो जाएगा 64, तो 25 में 8 जब जोड़ेंगे तो 33 आएंगे, 33 64। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 33 तो इधर आएगा, 64 हम डायरेक्टली ये वाला लिख लेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे कि आपसे कह दिया जाए 64 का होल स्क्वायर पता करना है, जब तक हमारे 50 के इर्द गिर्द देगा तब तक हम 85 चेक करेंगे, जब हमारा 100 के बगल में पहुंच जाएगा तो हम 100 से भी देखेंगे इसको। ठीक है,
तो 64 है हमारा, 50 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम 50 से देखेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है, ठीक है, तो 25 में 14 जोड़ लेंगे हम, और इधर 14 14 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 196, ठीक है। अब देखिए, जब तीन डिजिट आ गए हमारे, हमको चाहिए इधर दो डिजिट, ठीक है, ये हमको याद रखना है। पहले हम 14 और 25 जोड़ लेते हैं, कितना होता है हमारा, 39, ठीक है। जो हमारा दो डिजिट हमको इधर इधर चाहिए, हमको हमारा हो गया इधर तीन डिजिट, एक हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो हम एक उठा के इधर लाएंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, कितना, 4 हो जाएगा। अब हम 96 यहाँ लिख सकते हैं, 4096, ठीक है, इतना याद रखना है आप सभी को। हमको लास्ट में सिर्फ दो डिजिट ही चाहिए, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसके पहले 0 लगा लेंगे, अगर तीन डिजिट आते हैं तो लास्ट वाले दो डिजिट छोड़ देंगे, बाकी जो बचेंगे उनको हम पीछे ला के जोड़ेंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, जिसमें हमको तीन डिजिट आ जाए। देखिए मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत आसानी होगी आप सभी को इससे क्वेश्चन हल करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि हमको देखना है 72, ठीक है, 72 का होल स्क्वायर पता करना है, ठीक है। अब 72 50 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, ठीक है, तो 25 में 22 जोड़ेंगे हम, 25 प्लस 22, और इधर कितना, 22 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 47 इधर हो जाएगा, ठीक है, तो 22 का होल स्क्वायर इधर कितना आ जाएगा, 484, ठीक है, ये आ जाएगा। हमको तीन डिजिट इधर मिले, लगभग दो डिजिट चाहिए इधर, तो हमने 84 को छोड़ दिया, चार उठा के हम इसके साथ लाएंगे, ठीक है, तो हम चार यहाँ जोड़ लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 4 11, इतना हो जाएगा 51, 51 और 84 यहाँ रख लेंगे इसके साथ में, तो हमारा आ जाएगा 51 84, ये हमारा राइट आंसर आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक डिजिट अगर हमारा एक्स्ट्रा आता है तो उसको उठा के पीछे ला के जोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है कुछ इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गई हमारे 50 के करीब की बात, ठीक है। अब अगर 100 के करीब देखते हैं, 100 से कैसे निकालते हैं, जब कोई संख्या हमारे 100 के करीब पहुंच जाएगी तब हमको कैसे निकालना है इसका वर्ग, उसका मेथड थोड़ा सा अलग है, मेथड है ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा उसको आपको चेंजिंग रहेगा। तो जिसमें नियर बाय हमारे 100 होगा, ठीक है, 100 के करीब जो संख्या होगी, जैसे कि 94, ठीक है। अब 94 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 94 हमारा 100 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, 100 से 6 कम है। देखिए उसमें हम क्या करते थे, 25 हमने एक मान रखा था बेस, ठीक है, 25 में से जोड़ते थे घटाते थे जब 50 के करीब था, लेकिन इसमें हमको कोई बेस नहीं मानेंगे, इसमें से हम यही देखेंगे कि 100 में से कितना कम है, 6 कम है, तो हम ये 94 जो संख्या है उसमें से 6 और घटा देंगे, तो यहाँ 94 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88, ठीक है। अब यहाँ 6 का होल स्क्वायर करेंगे जैसा कि उसमें करते थे, 36 हो जाएगा, हमको दो डिजिट चाहिए इधर, ठीक है, तो दो डिजिट चाहिए, दो डिजिट हम ऐसे उतार के लिख लेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 88 36, ठीक है, ये हमारा 94 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे कि आपको पता करना है 97, ठीक है, 97 का होल स्क्वायर पता करना है, तो 97 का होल स्क्वायर पता करने आप देखेंगे 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो ठीक है 3 कम है, 3 का होल स्क्वायर इधर करेंगे, 3 और इसी में से 97 से 3 और घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 94 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो हमारी एक डिजिट हमको चाहिए 2, इसके पहले 0 लगा लेंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा 94 09, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया इसका। एक क्वेश्चन और ये मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। जहां पे आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब जैसे लेते हैं, हमको चाहिए 108, ठीक है, 108 का होल स्क्वायर हमको पता करना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा, ठीक है, 8 का होल स्क्वायर इधर करेंगे, 8 ज्यादा है तो 8 और हम इसमें जोड़ देंगे, 108 में 8 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, ये तो 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 116 और 64, ये
लिख लेंगे तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 108 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे और देखते हैं, जैसे कि 117, ठीक है 117 का हमको होल स्क्वायर चाहिए। तो देखते हैं 100 से कितना ज्यादा, 100 से ज्यादा है 17, तो 17 का होल स्क्वायर इधर लिखेंगे, 17 ज्यादा 17 और इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। ये 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो 289 इधर आएगा। ठीक है, अब तीन डिजिट आ गए हमारे, दो डिजिट हमको चाहिए, दो डिजिट हम ऐसे रहने देंगे, दो को उठा के इसके साथ लाएंगे, दो यहाँ जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, और 89 वो वाले लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 13689। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब जैसे कि 113 ले लेते हैं, एक और देखते हैं 113। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आपको चाहिए तो ये देखते हैं 100 से कितना जाना है, 13 जाना है, 13 का होल स्क्वायर हमको इधर लिख लेंगे। ठीक है, 13 और सिम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, इधर 13 का होल स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। तो हमको चाहिए दो डिजिट इधर, दो हमने इधर छोड़ दिए, एक हमारा एक्स्ट्रा है तो एक इसके चल रहा है, तो ये 127 हो जाएगा इधर, और 69 ये भी दोबारा किधर लिख लेंगे। ठीक है, तो 12769 ये हमारा जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 113 का। ठीक है, कितना आसान तरीका है, मात्र 2 सेकंड में आपका जो है 113 का होल स्क्वायर पता हो जा रहा है। वैसे आप गुणा करके निकालेंगे तो कम से कम आपका 2 मिनट लगेगा, तो कितना आपका समय टाइम बचेगा इसमें ये कैलकुलेशन करने में, तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप जो है इसको 2-4 बार प्रयोग करेंगे, अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मेथड हमने बताया बस उनको उनका क्लियर रखना है कि हमको क्या करना क्या है। ठीक है, बाकी आपको बहुत ही आसान लगेगा ये मेथड। और अब देखिए स्क्वायर मेथड चौथा हमारा, ये हमारा चौथा मेथड है, हम उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे पता करेंगे जिनके लास्ट में 5 है। ठीक है, जिसका एंड का डिजिट, सॉरी एंड या लास्ट का जो डिजिट है वो हमारा 5 है। ठीक है, तो उसका हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि 35। ठीक है, 35 को हम तो वैसे भी पता कर सकते हैं, हमने आपको दूसरे मेथड बनाए उससे भी पता, लेकिन जब इसके लास्ट में 5 है इसका होल स्क्वायर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। देखिए ये 5 है, 5 का होल स्क्वायर इधर करेंगे 25, और इधर 3 लिखेंगे, 3 की अगली संख्या क्या होगी 4, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 3 12 और 25, तो कितना हो जाएगा हमारा 1225, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 का होल स्क्वायर। ऐसे हम करें जैसे 45 का होल स्क्वायर करना चाहें तो 45 का 5 हमारे लास्ट में, तो 25 तो इधर आएगा ही, 5 का स्क्वायर करेंगे 4 लिखेंगे, 4 की अगली संख्या 5 लिखेंगे, 4 5 20 और 25 और लिख लेंगे यहाँ 20 25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता करना है 105 का होल स्क्वायर पता करना, तो लास्ट में 5 है इसका 25 हो जाएगा, 10 लिख लिया, 10 की अगली संख्या 11 लिख लिया, तो 10 गुणे 11 कितना 110 हो जाएगा, और 25 हमको ये लिख लेना 110 25। ठीक है, तो हमारा 105 का होल स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 125 है, 125 का होल स्क्वायर पता करना है, तो 5 तो हमारे लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 की अगली संख्या 13, तो 12 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम कितना हो जाएगा 156, 25 हमारी ये वाली 25 ये वाली ताली, 156 25 ये हमारी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मेथड थे, इम्पॉर्टेंट मेथड थे, जिससे कि हम स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों, स्क्वायर पता करना, कैसे स्क्वायर पता करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता करना बताएंगे, कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता करते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। दोस्तों देखिए यहीं से चलेगा आपका स्टार्टिंग होगा, और ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप सभी को बताता हूँ। अब जैसे कि
यहीं पे अगर आपको क्यूब पता करना है, ठीक है, तो क्यूब के लिए भी फार्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताया था, क्यूब का आपको पता करना है। तो क्यूब के लिए भी फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब अगर हमको पता करना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इससे ही हम पता करेंगे जैसे हमने वो वाले क्वेश्चन पता किए थे, और ए बी का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी संख्या का क्यूब पता कर सकते हैं। जैसे कि क्यूब पता करने के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 13 का होल क्यूब हमको पता करना है, तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है, ए क्यूब ए का 1 का होल क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 ए स्क्वायर बी 3 1 का स्क्वायर करेंगे b कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 ए तो हमारा 1 है, बी स्क्वायर कितना है, बी तुम्हारा कितना है 3 है, 3 त्रिका 9 9 3 27, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करके। अब बी का होल क्यूब करेंगे, बी तुम्हारा 3 है तो 27 तुम्हारा लास्ट में आ जाएगा, यहाँ 27, तो हमारा ये आ गया 19 आ गया, यहाँ कितना 9 3 27 आ गया और ये हमारा 27 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी आ गई, बाकी हम रखेंगे वैसे ही, एक डिजिट यहाँ से लेंगे 7, यहाँ पे 2 इसके साथ लाएंगे तो ये हमारा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिजिट यहाँ फिर लाएंगे 9 हो जाएगा, फिर हम 2 इसके साथ लाएंगे 9 2 11 हो जाएगा, फिर एक डिजिट यहाँ लाएंगे, यहाँ एक इसके साथ लाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2197 ये हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है इसका। तो फार्मूला इसमें यही वाला यूज करेंगे, ई क्यू 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर प्लस इंटू बी क्यू, ठीक है। तो इससे हम किसी भी क्वेश्चन का होल क्यूब पता कर सकते हैं। बाकी आप सभी जो है इस तरीके से पता कर सकते हैं किसी भी चीज का होल क्यूब। तो बाकी क्यूब वगैरह जो है आप ज्यादा क्यूब पूछा नहीं जाता है, जैसे कि आप 30 तक अगर क्यूब याद कर लेंगे, 20 तक फिर भी आपका काम चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी को एलसीएम और एससीएफ स्टार्ट किया जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा आप सभी को। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, थैंक यू।